तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आए हैं सीसा ढाबा। आप लोग देख सकते हैं पीछे सीसा ढाबा है और ये आजमगढ़ मुबारकपुर रोड है। सीधे इधर चले जाएंगे, सीधा इधर जो है मुबारकपुर मोहम्मदाबाद चले जाएंगे आप लोग। और ये सीसा ढाबा है, हम अभी आए यहाँ पे, आपको अंदर चले दिखाते हैं। यहाँ पे बगल पे टी स्टॉल लगा है, टी फास्ट स्टॉल भी है बगल में। और ये मेन रोड है, आप लोग देख सकते हैं इधर से, इधर से आप लोग आजमगढ़ आ जा सकते हैं। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं, एंट्री करके गेट, एक गेट लगा है यहाँ पे, सीसा ढाबा लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं हम लोग गेट से एंट्री करेंगे, सीसा ढाबा लिखा है यहाँ पे, कैमरा भी लगा है और ये बगल में टी स्टॉल है। तो अभी हम लोग गेट से एंट्री करते हैं सीसा ढाबा के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव सीसा ढाबा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बगल में पेड़ हरियाली भी है। और यहाँ पे आप लोग फिर फोटो के लिए, यहाँ पे एक स्कूटर यहाँ पे खड़ी की गई है, काफ़ी पुरानी स्कूटर यहीं पे बस रहती, फोटो के लिए सेल्फी के लिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और एक गेट है, इसी गेट से हम लोग एंट्री किए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आपको केबिन दिखाते हैं, यहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था भी है, यहाँ पे सीसा स्टोर भी है, यहाँ पे देख लीजिए स्टोर है इधर। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं अंदर का है सीन पूरा। और ये अभी देखिए सोए हैं यहाँ कर्मचारी लोग, अंदर भी देखिए टाइल्स वगैरह लगी हुई है। ये मेन गेट से आने के बाद सीधे आप लोग जस्ट आएंगे इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। आप लोग भी अगर आजमगढ़ से हैं तो एक बार ज़रूर आइए सीसा ढाबा, जो आजमगढ़ मुबारकपुर रोड पे है। और ये देखिए कर्मचारी उठ गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इधर देखिए जो हरियाली काफ़ी अच्छी लग रही है, अंदर आने के बाद ऐसा पूरा सिस्टम इसका यहाँ पे बना है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं अभी, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे अभी साफ़ सफाई हो रही है, कुर्सी वगैरह देख लीजिए ऐसे पड़ी हुई है। और ये अंदर का सीन है पूरा, और यहाँ पे फुब्बारा वगैरह लगा हुआ है अंदर में, अभी लगता है बंद हो चुका है। और ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पीछे बैठने के लिए व्यवस्था है, बाहर भी बैठ सकते हैं आप लोग। इधर पीछे देखिए हरियाली काफ़ी अच्छा है यहाँ पे लगता है, रात में भी लाइट वगैरह जलती है तो काफ़ी और बढ़िया लगता है। रात में आने का कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है तरह से मना आज्ञा से थाना मुबारक, और ये दिन वगैरह का प्रचार भी हुआ है। पीछे देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे पीछे भी बैठने के लिए पूरे चारों तरफ बैठने के लिए व्यवस्था। अंदर देख सकते हैं इधर कैमरा लगा हुआ, और इधर हरियाली के लिए पेड़ पाड़ों लगाए गए हैं, पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और शाम को यहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा रहता है। देखिए यहाँ पे जो लाइटें जल रही हैं, और देखिए इधर भी बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। मतलब आपको जिस प्रकार अंदर बैठ के खाना चाहते हैं अंदर खा सकते हैं, बाहर बैठ के खाना चाहते हैं बाहर भी खा सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग। और इधर से देखिए इधर अभी कर्मचारी उठ गए हैं और अभी आए हैं, देख सकते हैं अभी इनके साथ में। ये कभी स्टार्ट होता है कितने बजे से? 12 बजे से बता रहे हैं स्टार्ट होता है। रात में बंद कब तक चलता है? रात में 12 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक। अगर आप लोग आजमगढ़ से हैं तो एक बार जरूर सीसा ढाबा आइए। और यहाँ पे देखिए केबिन टाइप बनी हुई है, इधर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम भी आए हैं, अभी एक बार आए थे रात में लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए, अभी आए हैं तो अभी वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अगर आजमगढ़ से हैं तो एक बार जरूर आइए सीसा ढाबा में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए सोचे एक वीडियो बना दें, एक वीडियो ब्लॉग बना दें यहाँ पर आके। और इधर देखिए खटिया वगैरह रखी हुई है, इधर देख सकते हैं खटिया बैठने के लिए रखी हुई है। और ये क्या है, काउंटर है क्या है? एक काउंटर है, आप देख सकते हैं इधर काउंटर है। और इधर कर्मचारी लोग लगे हैं अपनी साफ़ सफाई में, देख सकते हैं यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी रहती है, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, साफ़ सफाई की उत्तम व्यवस्था है। और इधर स्टोर रूम है, इधर आप देख सकते हैं रस्ते की साफ़ सफाई कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक व्यवस्था उचित रहती है। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। आप लोग एक बार आजमगढ़ से तो एक बार जरूर सीसा ढाबा आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। और यहाँ पर आपको मेनू दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सीसा ढाबा भिवंडी मुंबई ग्रुप जमुई सागर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है, यहाँ पर सब मेनू में लगा हुआ है, चिकन चना फ्राई पापड़ रोस्टेड पापड़ ये सब डिस्टेड आपको लगी हुई हैं। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मशरूम पनीर सीसा ड्राई 250 है, फुल 500 है, देख सकते हैं आप लोग इसकी क्या मेनू है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये मेन गेट है, यहाँ मेन गेट से आप लोग एंट्री करेंगे, मेन गेट से इधर से हम लोग आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं साफ़ सफाई हो रही है अभी, तो अब हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो अब लोग हम लोग चल रहे हैं गेट से बाहर, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग आजमगढ़ से हैं तो एक बार सीसा ढाबा जरूर आइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।